शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। पाकिस्तान ने 8 साल बाद इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीत ली। रावलपिंडी में तीसरा और आखिरी टेस्ट में विकेटों से कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने 36 रन हंसते खेलते 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद 23, अब्दुल शफीक 5 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान के दोस्त नस फिर इंग्लैंड की पूरी टीम पर भारी पड़ गए। सेंचुरी बनाने पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच, सीरीज में 19 विकेटें लेने वाले साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद और नमान ने कमाल ही कर दिया, इंग्लिश बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। इंग्लैंड के खिलाफ मुसलसल दूसरे टेस्ट में तमाम विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद और नमान की जोड़ी ने दूसरी इनिंग में 10 विकेटें ली। 2 टेस्ट मैचेस में 40 में से 39 विकेटें दोनों ने हासिल की। कप्तान शान मसूद इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी फतह पर खुश, कहा साजिद खान ने शानदार परफॉर्मेंस दी लेकिन सीरीज में तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी काबिले कदर है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान की जीत का क्रेडिट साजिद खान और नुमान अली को दे दिया। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन पीसीबी को टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद, कहा खिलाड़ी ने कौम का सखर सर फखर से बुलंद कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर भी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ पर मजबूर, कहा टेस्ट सीरीज जबरदस्ती, पाकिस्तान टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से मुतासर हुए। जस्टिस याह्या अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, तीनों सर्विसेज चीफ्स की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी भी शरीक थे। जस्टिस याह्या अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। उन्होंने 30 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाप्त करने वाले लार्जेस्ट बेंच का हिस्सा रहे। जस्टिस याह्या अफरीदी ने मखसूस नशस्तों के केस में इख्तलाफी नोट तहरीर किया।